आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दो साइबर अपराधियों को साइबर पुलिस ने दबोचा, दर्जनों मोबाइल, एटीएम, पासपोर्ट व आधार कार्ड हुआ बरामद। गुरुवार को सरायकेला में तेज रफ्तार मालवाहक के चपेट में आने से युवक की मौत पर मचा बवाल। परिजनों ने टाटा कांडरा मुख्य सड़क को घंटों किया जाम। और जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न, शनिवार को होगी मतगणना। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर साइबर पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्त दो अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने दर्जनों मोबाइल, एटीएम, पासपोर्ट, प्रिंटर व आधार कार्ड आदि बरामद किया है। दोनों बेहद ही शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। दोनों के बैंक खातों को सीज कर दिया गया है और एक अपराधी के बैंक खाते में फर्जी तरीके से जमा 10 लाख रुपए भी जब्त करने का दावा जमशेदपुर साइबर थाना पुलिस कर रही है, जबकि एक अपराधी के खाते से पिछले 6 माह के भीतर हुए करोड़ों रुपए के लेन देन की जाँच की जा रही है। बताया जाता है कि गैंग का सरगना पूर्व में रेलवे कर्मचारी था और अपने सीनियर के साथ विवाद के बाद उसे नौकरी गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद आर्थिक तंगी से निपटने के लिए उसने साइबर अपराध की दुनिया में कदम रखा और अपने सहयोगी एमजीएम थाना क्षेत्र के मुखिया डांगा के रहने वाले सोनू महतो के साथ फर्जी तरीके से लोगों को चूना लगाकर पैसे कमाने लगा। बताया जा रहा है कि सरगना घाटशिला के काशिदा का रहने वाला है और उसका नाम प्रदीप मजुमदार है। बैंक द्वारा सूचना दिए जाने के बाद लगातार पुलिस छापेमारी में जुटी हुई थी। पुलिस ने बताया कि ये सारे अपराध मोबाइल ऐप से प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर जाली बना दिया जाता था। उसी प्रमाण पत्र के आधार पर वो बैंक में जाकर खाता खुलवाता था। अब तक उसने 8 खाते भेज दिए। इंडियन बैंक बिष्टुपुर में मोबाइल नंबर अपडेट करने गया था। इस बीच बैंक मैनेजर ने अपने कमरे में बैठाकर पुलिस को फोन कर दिया। बाद में पुलिस ने आकर उन्हें पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों अपराधियों के खातों को भी सील कर दिया है। और वहीं गम्हरिया कांडरा थाना अंतर्गत कांडरा सरायकेला मुख्य मार्ग पर बिकानी मोड़ के पास गुरुवार को तेज रफ्तार मालवाहक के चपेट में आने से बाइक सवार 30 वर्षीय अमरेंद्र कुमार घायल हो गया था, जहां अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर शुक्रवार को मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने टाटा कांडरा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। गुरुवार को सड़क हादसे में घायल अमरेंद्र कुमार को सड़क निर्माता कंपनी के एम्बुलेंस के द्वारा टीएमएच ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक कोलाबीरा स्थित मिडलसा कंपनी में काम करता था। वहीं परिजनों ने मुआवजा तथा स्थायी नौकरी की मांग को लेकर टाटा कांडरा मुख्य मार्ग लाल बिल्डिंग चौक पर शव के साथ सड़क जाम कर दिया। इस दौरान सड़क पर घंटों छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गया। प्रशासन के समझाने पर भी लोग जाम हटाने को तैयार नहीं थे। हालांकि प्रशासन के आश्वासन के घंटों बाद सड़क जाम हटाया गया, जिसके बाद सुचारू रूप से वाहनों का परिचालन शुरू हुआ। वहीं समाचार लिखे जाने तक परिजनों के साथ जिला प्रशासन का वार्ता चल रहा था। इधर जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जहां सभी उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटियों में बंद है। बता दें शनिवार को मतगणना होनी है। इधर चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवार मतदाताओं से अपने मत का सही प्रयोग करने का आग्रह करते दिखाई दिए। दूसरी तरफ मतदाताओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मतदाताओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा। इस चुनाव में 16 पद के लिए 88 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। इसके लिए कुल 1369 मतदाताओं की सूची तैयार की गई थी। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के बाद बैलेट को सील करते हुए स्ट्रांग रूम में रख दिया गया। चुनाव की निगरानी को लेकर रांची से पर्यवेक्षक उपस्थित हुए। बता दें शनिवार को मतगणना होनी है। चुनाव में काफी विलम्ब हुआ है और बहुत सारी असुविधाएं हुई हैं हमारे सदस्यों को, और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में लोगों का काफ़ी अपार समर्थन है मुझे, और चुनाव तो अभी प्रक्रिया शुरू ही हुई है आधे घंटे पहले, और ऐसा लग रहा है कि चुनाव में जीत सुनिश्चित की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का बहुत सारा प्यार है हमारे साथ। और पिछले 2 सालों में हमने जो काम किया है बार के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के सदस्यों के उनके कल्याण के लिए, वही एक मुद्दा है हमारा इस बार के चुनाव में कि बाहर का विकास हो और यहाँ के अधिवक्ताओं का उनके कल्याण का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इसी कारण से मुझे लगता है कि चुनाव में मेरी जीत हो जानी चाहिए। कुल कितने कैंडिडेट और कितने वोटर हैं? तकरीबन कैंडिडेट करीब करीब 80-85 के आसपास हैं और वोटर्स 1300 कुछ हैं,
वोटर लिस्ट के हिसाब से। कब तक रिजल्ट आ जाएगा? रिजल्ट कल काउंटिंग शुरू होगी और शाम तक कल रिजल्ट होगा। कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए? एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो हर एक किसी के लिए सब कुछ कर सके, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। महिलाएं अगर जीत के आती हैं तो कुछ कठिनाई है, महिला एडवोकेट कम है? जी सर, महिला बहुत कम है और हम चाहते हैं कि आगे आए महिला, हर एक चीज में अपना योगदान दे। शुभनाम। और जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत दुबे मोहल्ला के निकट स्थानीय लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, जहां नाले में गंदगी के इस अंबार से तरह तरह की बीमारियों का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा कई बार जुगसलाई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी को अवगत कराया गया, पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्थानीयों का आरोप है कि 10 बार लिखित आवेदन के बाद एक बार अधिकारी इस ओर ध्यान देकर सफाई का कार्य कराते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। वही स्थानीय निवासी प्रवीण प्रसाद ने बताया कि गंदगी का अंबार लगा हुआ पर अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा अगर एक घंटे बारिश हो जाए तो नाले का गंदा पानी घर में प्रवेश कर जाता है। साथ ही उन्होंने कहा नगर परिषद द्वारा डोर टू डोर कचरा उठाव प्रणाली में भी सभी पूर्ण रूपेण योगदान देते हैं, जहां दूर दराज क्षेत्रों से बहकर आने वाले गंदगी का जमावड़ा स्थानीय लोगों के घर के निकट हो जाता है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कई बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। इतना महकता है, हम लोग अपना खरीद करके अपना निजी पैसा से वो ब्लीचिंग पाउडर सब का छिड़काव करते रहते हैं। अच्छा, ये इस संबंध में सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? विशेष पदाधिकारी जुगसलाई नगर पालिका की है। कई बार लिखित हम लोग दिए हैं, सफाई नहीं होती है। सफाई नहीं होती है, देख लीजिए गंदगी का अंबार बता रहा है कि सफाई का क्या। हल्का बारिश होने, हल्की बारिश होने पे घरों में पानी है, देखिए यहाँ तक पानी आ जाता है, घर तक आ जाता है। अभी वर्तमान में क्या समस्या हो रही है? वर्तमान में ये समस्या बहुत महक रहा है, मच्छर का प्रकोप है। अभी बारिश का मौसम लग रहा है, अगर बारिश आ गया एक घंटा तो वहाँ तक पानी चले जाएगा, हम लोग के घर तक पानी आ जाता है। गंदगी अभी तक नगर पालिका के द्वारा साफ नहीं कराई? नहीं नहीं, सफाई नहीं हो रही। कुछ हम लोग कभी कभी ज्यादा हो जाता तो बांस से हम लोग साफ कर देते कि पानी पास हो जाए। एक कचरा आता कहाँ से है? रंगेट आता है कि आसपास के लोग? नहीं नहीं, रंग गेट से बहते हुए जो कचरा है वहाँ के फ्लैट वाले लोग सारा फेंक देते हैं, हम लोग का तो यहाँ से कचरा हम लोग खुद जा करके फेंकते हैं। मतलब वो जो कचरा जो घर आता है, हाँ, उसी में हम लोग डालते हैं, लेकिन वो फ्लैट वाले घर से जो कचरा उठाओ है प्रणाली जो है नगर परिषद के द्वारा लागू की गई है, उसमें कितना पैसा लगता है महीने का? 80 रुपए। आप लोग सारे लोग स्वेच्छा से देते हैं? हाँ हाँ, हम लोग सब देते हैं। मतलब ये दूर दराज से क्षेत्र? हाँ, से। और ये रंग गेट का भी कचरा देखिए ना, थर्माकोल वगैरह सब गेट का ही है, वहीं से आता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण प्रसाद। और वहीं झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी के कारण छात्रों को नहीं मिल पा रहा है उच्च शिक्षा, जिसके चलते उनका भविष्य अधर में लटक गया है। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि सर्वप्रथम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पूरे कॉलेजों का सर्वेक्षण किया जाएगा, तत्पश्चात चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। प्रांतीय सचिव बापन घोष ने बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, ऐसे में छात्र जाए तो कहां जाएं? सर्वेक्षण का अभियान लिया है, सर्वेक्षण के अनुसार हम सब ये देखेंगे कि वहाँ पे कितने शिक्षक हैं, कितने की नियुक्ति हुई है, और शिक्षक हम लोग बनाएंगे रिपोर्ट और उसमें पता करेंगे। जैसे हम सभी को पता है UGC के नियम के अनुसार एक 40 छात्रों को एक शिक्षक की जरूरत होती है, लेकिन आज कुलान विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कितने शिक्षक की जरूरत है, कितने छात्र हैं, कितने शोध के कार्यकर्ता हैं, और उसमें क्या क्या व्यवस्था है छात्रों के लिए, क्या उनको प्लेसमेंट सही समय पे महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में ज्ञापन सौंपा जाएगा, और ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराया जाएगा कुलाधिपति महोदया को कि हमें शिक्षकों की कितनी जरूरत है, और हम पूरे डेटा के साथ विश्वविद्यालय झारखंड भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी एक साथ मिल करके राज्यपाल महोदया को, एवं जैसे कि हम सभी को पढ़ने के लिए ना पुस्तक है, पुस्तक मिलती है ना पढ़ने का सही समय, आज एक सेमेस्टर कोई स्कूल सेमेस्टर तो 3 महीने 6 महीने की जगह पे 8-8 महीने उन्हें पैसा इतना ले लिया जा रहा है कि विद्यार्थी परिषद पूरे झारखंड भर में जितने भी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय है उन सभी पे 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक एक सर्वेक्षण करेगी। सर्वेक्षण के अनुसार ये पता करेगी कितने छात्र हैं उस विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में, और कितने छात्र हैं
कितने विश्वविद्यालय में शिक्षक है, प्रोफेसर है, उन सभी को एक लिस्ट बनाएगी और उन्हें कितने छात्रों को सही से प्लेसमेंट मिल पा रहा है कि नहीं, वहाँ पे एमबीए की पढ़ाई होती है कि नहीं, यदि एमबीए की पढ़ाई होती है तो उन्हें प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं, इस सब विषयों को लेकर के क्या उन्हें सीबीसीएस के अनुसार जो नियम पाठ्यक्रम शुरू हुआ है वहाँ पुस्तक उपलब्ध है कि नहीं, ये सभी को रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के पश्चात 15 तारीख से 29 तारीख तक सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में हम सभी ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन सौंपने के पश्चात हम लोग महाविद्यालय से लेकर के राज्यपाल महोदया तक को इसे अवगत कराएंगे और बताएंगे कि शिक्षकों की कितनी कमी है पूरे झारखंड भर में और शिक्षा की बदहाल परिस्थिति को लेकर के हम सभी राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे। बिग न्यूज में खबरें जारी रहेंगी, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। अर्श इंटरनेशनल रिक्रूटिंग विद एथिक्स अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर KSA। सऊदी अरब में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, क्लाइंट इंटरव्यू ऑन 31 अक्टूबर। सना कॉम्प्लेक्स ठाकुर बारी रोड आम बगान साक्षी, फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन, फ्री मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन एंड OT। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, सबमिट योर CV and original passport immediately. Address: Sana Complex, Thakur Bari Road, Ambagan, Sakchi. Office number 1, 6th floor. Contact 736003003. 736003006. Al Fayz Technical Training Institute and Trade Test Center. जो व्यक्ति भारत या विदेशों में नौकरी पाने के इच्छुक हैं और काम सीखना चाहते हैं तो शीघ्र संपर्क करें। 100% थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्स, 3 months टेक्निकल कोर्स, ट्रेनिंग बाई गल्फ रिटर्नर ट्रेनर, 100% जॉब प्लेसमेंट। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, विदेश भेजने के सारे प्रबंध उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें अल फैज टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ट्रेड टेस्ट सेंटर। I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me, they make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I wanna go to school. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. In one day, years and miles from now, I'll remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to sing. I love kangaroo kids, I love kangaroo kids, I love kangaroo kids, I love kangaroo kids. आपके शहर में आ गया है इंडिया का मोस्ट अवार्डेड इंटरनेशनल प्री स्कूल कैंगरू किड्स। आई लव कैंगरू किड्स। एडमिशंस ओपन फॉर टॉडलर्स प्ले ग्रुप, नर्सरी, लोअर KG एंड हायर KG। विजिट कैंगरू किड्स, होल्डिंग नंबर 5, CH एरिया, और कॉल 6203086168। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला के चांडिल फतलागोड़ा में PCC रोड का शिलान्यास विधायक सविता महतो द्वारा किया गया, जहां विधायक सविता महतो के साथ ग्रामीणों द्वारा नारियल फोड़कर PCC रोड का शिलान्यास किया गया। PCC रोड 679 मीटर 23,15,36 रुपए की लागत से बनने जा रहा है। इस मौके पर विधायक सविता महतो के साथ साथ बबलू महतो, हीरालाल महतो, बुद्धेश्वर महतो, धनंजय महतो, प्रवीण प्रमाणिक आदि उपस्थित थे। और इधर जनता दल यूनाइटेड की युवा इकाई की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंच उपायुक्त से मुलाकात कर क्षेत्र की जल समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया, साथ ही सड़क मरम्मतीकरण एवं पानी बहाव के संबंध में ज्ञापन सौंपा। छोटा गोविंदपुर से पीपला मोड़ तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। सड़क के खुदाई के कारण बीचे कंकड़ एवं पत्थर से लगातार दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है।
ऐसे में क्षेत्र की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। कच्ची सड़क होने के कारण लगातार क्षेत्र में धूल उड़ती रहती है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर ज्ञापन सौंपने आए युवा जदयू के झारखंड प्रदेश सचिव अजय कुमार ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व सड़क मरम्मतीकरण और जलापूर्ति योजना क्षेत्र की जनता के लिए लाई गई, जिससे स्थानीय लोग काफी खुश थे, पर योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर नहीं उतारने से क्षेत्र की जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। उन्होंने कहा, जर्जर सड़क और सड़कों पर पानी के बहुत से स्थानीय लोगों का बुरा हाल है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने की कोशिश की, अन्यथा आंदोलन की ओर रुख करने की बात कही। सड़क मरम्मत को लेकर और गोविंदपुर में जलापूर्ति योजना के कारण जो जल जमाव हो रहा है, उन समस्याओं के निदान के लिए उपायुक्त महोदय के पास ज्ञापन देने आए थे। कब से यह समस्या है? ये आज गोविंदपुर में एक्चुअली पिछले 2 वर्षों से सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ है और जलापूर्ति योजना आया, दो एक ऐसी योजना आई जो गोविंदपुर की जनता इस दो योजनाओं से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। जैसा लगा कि गोविंदपुर का जो समस्या था, जो बेसिक नीड था, वो हम लोगों को मिलने वाला था, लेकिन इन दो समस्याओं के कारण ही गोविंदपुर की जनता अति परेशान हो चुकी है। अब ये व्यवस्था हो चुका है, गोविंदपुर की जनता अब गोविंदपुर में रहने लायक स्थिति में नहीं है। कचरा का वही व्यवस्था है। आज जलापूर्ति योजना के नाम पर जो पानी दिया जा रहा है, वो सारा सड़क पर हो गया, क्योंकि उसके नाम पर जो सड़क कोड़ा गया उसी तरह छोड़ दिया गया और पानी पाइप फट के सारा पानी उसी पर आ रहा है। आई और पिपला मोड़ तक जो सड़क बन रही है, वो सड़क कोड़ तो दिया गया, लोगों का घर तोड़ दिया गया, लेकिन मिला क्या? उसके बदले में मिला धूल, उसके बदले में मिला कंकर, उसके बदले में मिला दुर्घटना और सिर्फ कष्ट मिला और कुछ नहीं मिला। आज डीसी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? डीसी साहब से हम लोगों ने आज ये मांग रखा है कि डीसी साहब, आप आइए, खुद एक बार उस स्थान का निरीक्षण कीजिए, आप समझिए कि पीड़ा जनता का दर्द क्या है। और हम जानते हैं कि आप जब आएंगे, आप जब समझे कि जनता किस हद में जी रही है, कितने कष्ट में जी रही है, तब आप उसका निदान करेंगे। और अगर डीसी साहब इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो हम और गोविंदपुर की जनता सारे विवश हो जाएंगे। वहाँ एक भव्य आंदोलन होगा, सड़क जाम भी हो सकता है। जहाँ तक, जिस हद तक हम लोगों को जाना होगा, हम लोग जाएंगे और उस काम को करवा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जो कंपनी काम कर रही है लीडिंग कंस्ट्रक्शन, उसका दोहरा मापदंड है। एक तरफ भुइयां डी तरफ जो रास्ता बन रही है, वहाँ आप देखिए कितने सुनियोजित तरीके से वो काम कर रही है। सड़क एक तरफ है, एक तरफ बन रहा है, पूरे सुनियोजित तरीके से। गोविंदपुर में दूसरी तरफ क्या कर रहा है? पूरा तोड़ दे रहा है, घर तोड़ दिया, दुकान तोड़ दिया, कंपनियां बगल में, उसको एक इंच नहीं नुकसान हुआ, लेकिन लोगों का, दुकानदारों का, गरीबों का, जो ठेला वाला है, जो अपना मजदूरी जी रहा था, उनको उखाड़ के फेंक दिया गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय कुमार, मैं युवा जदयू झारखंड प्रदेश सचिव। और वही टेल्को स्थित रिक्रिएशन क्लब में मुस्कान संस्था की ओर से 5वां रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां संस्था के सदस्यों के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं के भी लोगों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों को तनाव मुक्त कर सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लक्ष्य को संजोए हुए मुस्कान संस्था के द्वारा लगातार समाज हित के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्था द्वारा टेल्को स्थित रिक्रिएशन क्लब में 5वां रक्तदान शिविर लगाया गया, जहाँ इस शिविर में संस्था के सदस्यों के साथ साथ संस्था के हर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान देने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजककर्ता के अनुसार, जरूरतमंद लोगों को सही समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके, इस उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। आज मुस्कान संस्था के द्वारा टेल्को रिक्रिएशन क्लब में 5वां ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग इसको ऑर्गेनाइज किए हैं। क्या उद्देश्य होता है इस तरह का? उद्देश्य है कि समाज में जो जो लोग, जिनको ब्लड नहीं मिलता है, उनको आसानी से ब्लड उपलब्ध कराया जाए, वो भी एक तरह का तनाव है, तनाव का निवारण के लिए सब सारा चीज़ किया जा रहा है। आज ये कहाँ किया जा रहा है ये जी? ये आज कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये ब्लड डोनेशन कैंप रिक्रिएशन क्लब टेल्को में आज आयोजित किया गया है। और इधर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बार फिर बैंक कर्मचारी आंदोलन का रूप अख्तियार करने की तैयारी में है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने गुरुवार को बैंक के समक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना था कि वेज डिवीजन समझौता में काफी कम वेतन बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार 20% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, जबकि 13.50% की बढ़ोतरी की जा रही थी।
साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 15% की बढ़ोतरी की गई थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर हर धर्मिता का आरोप लगाते हुए बैंक कर्मचारियों को नीचा दिखाने की बातें कही। इसे लेकर एक बार फिर वे सभी हड़ताल का रुख अख्तियार करेंगे, जिसे लेकर गुरुवार शाम सभी बैंक कर्मचारी बैंकों के समक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। हम सभी बैंक कर्मचारी और अधिकारी 10 लाख इनका विरोध करते हैं और ये विरोध हमारा कितने तारीख से हड़ताल चालू हो रहा है? हमारा 2 दिन का हड़ताल पिछले महीने हुआ, 29 और 1 तारीख को हुआ। अभी मार्च में हमारा जो हड़ताल है 3 दिनों का है, 11, 12 और 13, ये 3 दिन हमारा हड़ताल का प्रोग्राम है। और हड़ताल की स्थिति ना आए, हम चाहते हैं कि हम कस्टमर और बेरोजगार नौजवानों को साथ मिलकर सरकार को ये बताएं कि ये जो लड़ाई है ये कहीं से भी अन्यायपूर्ण नहीं है। ये न्याय की लड़ाई हम आगे भी हमारा जारी रहे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आर के रजक, मैं UFPO का कन्वेनर हूँ और इसके डीजे। झारखंड मिस एंड मिसेस टॉप मॉडल इंडिया 2020 प्रतियोगिता में जमशेदपुर निवासी जानकी मुखो को ब्रांड एम्बेसडर और ममता सिंह को मिसेस पॉपुलर का खिताब मिलने पर साक्ची स्थित डांस स्टूडियो में उनका सम्मान समारोह किया गया। राज्य झारखंड मिस एंड मिसेस टॉप मॉडल इंडिया 2020 प्रतियोगिता में झारखंड सिटी जमशेदपुर की 2 प्रतिभागियों ने पदक हासिल किया। जानकी मुखी को ब्रांड एम्बेसडर का खिताब मिला तो वहीं ममता सिंह ने इसे पॉपुलर टेक को अपना बनाया। यह आयोजन जयपुर स्थित आलमिन स्टूडियो के बैनर तले 1 फरवरी को हुआ था। देश भर से इस प्रतियोगिता में 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। वहीं झारखंड मिस एंड मिसेस टॉप मॉडल इंडिया 2020 की स्टेट डायरेक्टर आरसी गुप्ता के द्वारा इनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जब मुझे ये खिताब मिला ब्रांड एम्बेसडर का तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ कि जो विनर से भी टॉप होती है वो मुझे आज मिला है। मैं जमशेदपुर का नाम, मैं अपने झारखंड का नाम इंडिया में रिप्रेजेंट, इतना ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होता, अगर आप मेहनत करो तो आप एकदम ऊपर आप कामयाबी पा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम? मेरा नाम जानकी मुखी है, मैं कदमार में रहने वाली। और अब चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2 साइबर अपराधियों को साइबर पुलिस ने दबोचा, दर्जनों मोबाइल, ATM, पासपोर्ट व आधार कार्ड हुआ बरामद। गुरुवार को सरायकेला में तेज रफ्तार मालवाहक के चपेट में आने से युवक की मौत पर मचा बवाल। परिजनों ने टाटा कांडरा मुख्य सड़क को घंटों किया जाम। और जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न, शनिवार को होगी मतगणना। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।